और ये काली ताल की छोटी बहन, काली ताल देखा ना बड़ा सा है, उसका बड़ा भाई है और एक छोटी सी है, तो काली ताल की छोटी बहन है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रोड में, तो नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है काली ताल से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पहली खुशी तो है काली ताल आने की, वो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और दूसरी खुशी क्या है बताऊँ? दूसरी खुशी ये है कि मेरी देहरादून से मेरी छोटी बहन आने वाली है, तो अभी थोड़ी देर में मैं उससे मिलने वाली हूँ। एक तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक तो मैं काली ताल के लिए खुश हूँ और काली ताल से भी ज़्यादा खुश हूँ अपनी बहन से मिलने की खुशी में। तो हमने यहाँ पे रखी थी अपनी बगीरा, तो अब हम लोग चलते हैं थल की ओर, जहाँ मुझे ना मेरी बहन मिलेगी, तो हम लोग चलते हैं वहीं की ओर। और साथ ही आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब भी आप लोग काली ताल आओगे ना, अकेले मत आना। पता है यहाँ अजीब सी फीलिंग आती है और डर डर सा, थोड़ा जंगल सा है और अजीब सा है। अच्छा है अगर साथ में आओगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले अगर कोई आओगे ना तो फीलिंग अजीब सी आएगी, जैसी मुझे आई थी। मुझे तो क्या, मेरे तो साथ में पति देव थे, फिर भी थोड़ा बहुत हुआ था, और अगर ग्रुप में आओगे ना और भी अच्छा होगा। यहाँ पर से ना बहुत ज्यादा बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक बार, मैंने तो देख लिया है, तो आप लोगों को भी दिखा लूँ एक बार, तो आप लोग भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और साथ ही ना काली ताल जितनी खूबसूरत जगह दिखने की है ना, उतनी ज़्यादा खतरनाक है। पता है मैंने तो सुना था कि यहाँ 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है, सुनी हुई बात मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे फोटो शूट भी कर ली है और पूजा से भी हो गई है बात, तो इसी बहाने हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है। अब चलते हैं थल की ओर। और अभी हम लोग कहाँ रुके हैं पतिदेव? हाँ? कहाँ पे रुके हैं? हम जयनगर से थोड़ा आगे। तो अभी हम लोग जयनगर से थोड़ा आगे पहुँचे हैं, तो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा भरा बिल्कुल। अभी मेरे पतिदेव आपको प्यारा प्यारा सा गाना सुनाएंगे। पतिदेव गाना हो जाए एक। अच्छा प्लीज ना, एक गाना हो जाए यहाँ पे कैमरे के आगे आके। कुछ नहीं, आप गाना गा दो ना। 1 2 3 स्टार्ट। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का, ओ साए बारुत ये सुहानी है, कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। वाह वाह पतिदेव, क्या गाते हो आप! मेरे को तो आज पता चला आप इतना अच्छा गाते हो। खाली बोल रही, मजाक कर रही हूँ, इतना खुश मत रहो, पता होना चाहिए ना मैं मजाक करती हूँ। चलो ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि पतिदेव ने कैसा गाना गाया। अगर अच्छा लगा तो अच्छा है बोलना, बुरा लगा तो बुरा है बोलना। डर ले भाई डर ले, खाएगा क्या? देखो ना बंदर भी डर नहीं रहा हमसे। देखो हाथी हाथ दिखा रहा है, हाथी हाथ दिखा रहा है, देखो छोटे वाले को देखो, और उन महासयों को देखो जरा आराम फरमा रहे। ये तो डरे, हाँ ये तो डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो छोटे वाला देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना बंदर, छोटा वाला लग रहा है, बाकी तो डरावने लग रहे प्यारे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गौचर में और सुमा का इंतजार कर रहे हैं। सुमा को कॉल किया तो वो कह रही थी थल पहुंचने वाले, अब पता नहीं कब तक पहुंचती है, कौन से वाले थल पहुंची है उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो नींद में ऐसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ पहुंची है, बस आइडिया मार के बता रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। तो अब देखते हैं कब तक पहुंचती है। हम लोग तो गौचर में रुके, अगर वो थल पहुंची होगी तो 5 मिनट में पहुंच जाएगी, अगर नहीं पहुंची होगी ना तो सपने वाले थल में पहुंची होगी वो।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि वो सपने में बोल रही है, 10 मिनट हो गए, वो सच में सपने में बोल रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो अभी और कॉल किया तो बोल रही है थली हूँ, पता नहीं कौन से वाले थल है उसका कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक नहीं आती तब तक वेट तो करना ही है। शायद ये वाली गाड़ी है, यही है पक्का। हाँ पीछे साइड है बीच में। रो रही है? रो रही है, पक्का है रो रही है, वो भी रो रही है अब। हाँ सुमा से भी मिल लिए हैं, और सुमा भी चले गई है, और सुमा ढेर सारा सामान लेके आई है, और क्या क्या लेके आई है वो तो घर जाके देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पापा ने स्पेशली मेरे लिए कुछ भेजा है, वो घर जाके ही दिखाऊंगी क्या भेजा है। चलते सीधे घर की और आप लोगों को मिलते हैं सीधे घर पे। अब मेरे पति देव को गाड़ी चलाते चलाते प्यास लग गई है ना, अब पानी पीते टाइम भी चश्मा नहीं खोलोगे? अच्छा बोतल में भी भर लो फिर। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी बजे हैं शाम के 6। तो पापा ने क्या भेजा है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पापा ने अपने हाथों से बना के ना किस चीज के लड्डू मुझे भी नहीं पता, बट लड्डू बना के भेजे और कह रहे थे कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। तो अब मुझे देख के तो लग रहा है कि अच्छे ही होंगे क्योंकि पापा ने जो बनाया तो अच्छे ही होंगे। और पापा इतने खतरनाक है ना, डब्बे में नाम भी लिखा है इसमें हिंदी में नेहा और इस साइड इंग्लिश में नेहा, पता है मेरा ही है। फिर पापा ने दो दो बार फिर भी नाम लिख रखा है। पापा ने लड्डू बना के भेजे थे और पूजा ये सब कुछ लाई थी। पूजा को पता था ना ये 24 घंटे खाते रहती है, तो मेरे लिए खाने की चीज भेजी है, और मम्मी ने सेब भेजा है, तीनों ने कुछ न कुछ भेजा है मेरे लिए देहरादून से। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।